तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, जिसमें आपको डेली 5 से लेकर के 10% का प्रॉफिट हो सकता है। उसके लिए कैपिटल आपकी जो लगेगी वो लगभग 20 से 30 हज़ार के बीच की लगेगी, और ये प्योर हेज की स्ट्रेटजी रहेगी जिसमें आपका लॉस जो है वो छोटा एंड फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो का जो 1 भी सेकंड स्किप मत करना, मैं आपको कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी को और ज़्यादा कैसे कैसे ब्रेक डाउन करके एकदम सेफेस्ट वे में जाना है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो देखो, आज हम समझेंगे क्रेडिट स्प्रेड को, ठीक है। क्रेडिट स्प्रेड एक बहुत प्यारा चीज़ है और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बिगनर्स भी इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। इसमें कहीं ना कहीं आपका एकदम फिक्स छोटा लॉस होगा। बहुत सारे लोगों का लॉस पे कंट्रोल नहीं होता है, वो लॉस को होल्ड करके बैठ जाते हैं और उनका लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जो भी ये समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो वरदान ही साबित होने वाला है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते हैं और लोगों को ना टारगेट का पता होता है ना स्टॉप लॉस का पता होता है और इस वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस सिंपल स्ट्रेटजी में मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ मैं आपको कहीं ना कहीं एकदम सिंपल वे में समझाने का ट्राई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के समय की अगर बात करेंगे तो हर दिन एक्सपायरी हो चुके हैं, A to Z दिन, 5 दिन हफ्ते का हफ्ते एक्सपायरी है, 5 दिन एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूँ मंडे को, मंडे को किसकी एक्सपायरी है आप लोग जानते हो। ट्यूजडे को कहीं किसकी एक्सपायरी है, ट्यूजडे को कहीं ना कहीं फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। और वेडनेसडे को आपका हो गया है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और ऑल्सो कहीं ना कहीं अगर आपके थर्सडे को बात करोगे तो पहले थर्सडे को तो आप जानते ही हो निफ्टी हो चुका है, ठीक है। और फ्राइडे को किसका है, फ्राइडे को एक्सपायरी किसका है, फ्राइडे को आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी है भाई, और मंडे को मिड कैप निफ्टी का, ठीक है। लेकिन इसमें से मेजर 3 है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा हाई लिक्विड है और इसमें काम करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठीक है। तो हम इसका भी कहने की बेनिफिट उठाएंगे। देखो, क्रेडिट स्प्रेड, सबसे पहले हम सारी चीज़ों को साइड में करते हैं, पहले चीज़ों को समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये 7 सितंबर का एक्सपायरी है, ठीक है, और ये हमने निफ्टी का चार्ट लगा करके रखा हुआ है। आपको सबसे पहले मैं एकदम सिंपल चीज़ों को समझाने का ट्राई करता हूँ। अब आपने एनालिसिस किया कि भाई साहब ये आपका क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन टाइप का बन रहा था मार्केट में, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से आपका व्यू क्या हो गया, व्यू वाव हो गया आपका कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और टारगेट क्या हो गए, टारगेट मान लो रफली मैं बताता हूँ कि भाई साहब रफली टारगेट आपके ये हो गए, क्योंकि मार्केट कहने की इधर के आसपास जा सकता है, यहाँ पर एक सेलिंग का एरिया है। आप लोग एनालिसिस भी ऐसे ही करते हो, ट्रेड भी ऐसे ही करते हो, बस ऑर्डर देखो। आप मार्केट में एनालिसिस आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेंड लाइन पर काम करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करो, किसी पैटर्न पर काम करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर चीज़ें क्या होगी, अब यहाँ पर व्यू आपका क्या है, व्यू हो गया कि मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के प्लेयर आते हैं, पहला आएंगे कॉल बाई करने वाले, वो प्रॉफिट करेंगे। दूसरे यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी तरह जो सेलर होंगे वो पुट सेल करेंगे, ठीक है। तो अब चीज़ समझो, हम बाइंग की बात नहीं करेंगे इसमें, हम बात करेंगे पुट सेल वालों की। अगर आप यहाँ पर पुट सेल करते हो, ठीक है, अब ये टाइम देखो मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। ये कितने बजे है, 9:45 पर, 9:45 पर आप एंट्री कर रहे हो। यहाँ पर हम स्टॉक मॉक में आ जाते हैं, हम यहाँ से सारी चीज़ों को हटा लेते हैं, हम लगाते हैं 9:45 के टाइम का कि उस समय स्टॉक प्राइस कौन सा कितना चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर निफ्टी चल रहा है, निफ्टी का यह पर ऑप्शन चेन आपको दिख रहा होगा, निफ्टी का ATM का चल रहा है 26 रुपीज़ का। अब आप इसको सेल कर सकते हो या फिर आप थोड़ा सा इन द मनी सेल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। जिसको सेल करोगे उसमें आपको उतना ही प्रॉफिट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब समझो, अगर आपने इस स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दिया तो प्रॉफिट कितना होता है ऑप्शन सेलर का, तो मैक्स प्रॉफिट आप जानते हो कि फिक्स होता है। अगर आपने 56 का प्रीमियम सेल कर दिया तो इसमें आप 50 का जितना क्वांटिटी होगा उतना गुणा कर लोगे, उतना ही आपको अधिकतम प्रॉफिट होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2832 रुपये का। ऑप्शन सेलर का हमेशा आपको प्रॉफिट तो फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट यहाँ से आपकी फेवर में यानी कि ऊपर तक जाएगा ये ग्रीन वाले एरिया में। आपको नुकसान इसमें कब होगा, जब मार्केट अगेंस्ट गिरने लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। हालांकि आप इसको स्टॉप लॉस के साथ काट सकते हो, लेकिन एक मान सकते हो कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अगेंस्ट आपके चला गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस नुकसान को बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग इसलिए भी नहीं करते कि उनको अनलिमिटेड नाम से डर लग जाता है भाई, कि उनको अनलिमिटेड नुकसान हो जाएगा।
तो यहीं पर बारी आती है स्प्रेड की। अब हम क्या करें, जैसे कि देखो व्यू क्या है, व्यू है आपको मार्केट पर जाएगा, तो आपने एक महंगा वाला प्रीमियम बेच दिया, चाहे इसको बेच दिया। अब आप इससे सस्ता वाला देखो, इससे सस्ता वाला कोई बाइक, जैसे मैं मानता हूँ कि मैं इसी को बाई कर लेता हूँ, मैं एक स्टेप बाय, देखो हमने बेचा हमेशा महंगा वाला बेचेंगे और सस्ता वाला खरीदेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप बेचा है, देख सकते हो 2800 का प्रॉफिट है, जैसे ही आप बाई करोगे, इसको बोलते हैं हेजिंग। अब देखो अगर आप नेकेड जाओगे बेचने भी तो आपको लगभग 1,12,000 रुपये लगेंगे, लेकिन जैसे आप बाई करोगे ना, आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा, आपका रिस्क भी एकदम फिक्स हो जाएगा। व्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट यहाँ से अभी भी ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और यहाँ से अगर मार्केट अभी भी अगेंस्ट जाएगा तो जितना आपको मैक्स लॉस दिखा रहा था अनलिमिटेड, अब आपका अधिकतम लॉस केवल और केवल 980 रुपये का होगा। इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होने वाला है, चाहे मार्केट भले ही, अगर मार्केट अभी चल रहा है 19,560 पर, भले ही मार्केट आ जाए 18,000 पर या फिर उससे भी नीचे क्यों ना चला जाए। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, मतलब इतना तो जाता नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि मतलब मार्केट कितना नीचे क्यों ना गिर जाए, आपको लॉस यही है फिक्स। तो इसको हेजिंग की मदद से आप अपने लॉस को फिक्स कर लोगे, और जहाँ पर मार्जिन आपका 1,20,000 लग रहा था, वहीं पर मार्जिन आपको 24,000 ओनली हो गए। मैक्स प्रॉफिट की बात करोगे आप, तो मैक्स प्रॉफिट आपको मिल रहा है लगभग 1500 रुपये का, 600% के आसपास का। मैक्स लॉस आपका लगभग 1000 रुपये के आसपास का, 4% के आसपास का, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड क्यों क्रेडिट स्प्रेड, अब ध्यान से समझने का ट्राई करना, पहले थोड़ा सा चीज़ों को समझ लो। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, और मैं आपको बता रहा हूँ यार, स्टॉक मार्केट में सेफेस्ट वे में अगर आप लोग काम करना चाहते हो, लॉसेस से परेशान हो गए, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमने देखो सेल किया हुआ है कौन सा, 19,600, कितने का, 56 रुपीज़ का, ये आपका अधिकतम प्रॉफिट था, ठीक है। अब आप भी जानते हो कि ऑप्शन सेलिंग में मैक्स प्रॉफिट हमेशा फिक्स होता है, कितना जो भी आप प्रीमियम बेच दोगे वही आपका मैक्स प्रॉफिट होता है। अब अगर यहाँ पर अगर आप नेकेड सेल करते और आपने एक बाई कर लिया यहाँ पर, ठीक है, किसको बाई कर लिया, 19,550 रुपये का, एक स्ट्राइक प्राइस पीछे, तो आपको जो इन दोनों का डिफरेंट है, मतलब अगर देखो अगर अधिकतम प्रॉफिट ये होने वाला था, अब इसमें से घटा दो इसको, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाले पुट का भी प्रीमियम जीरो कहीं ना कहीं हो जाएगा, और ये वाला बाइंग का भी प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो सेलिंग वाला का जीरो होगा तो आपको इतना का प्रॉफिट होगा पूरा, लेकिन बाइंग वाला का भी जीरो होगा तो बाइंग वाले में इतना नुकसान दिखा देगा, तो ओवरऑल को कितना प्रॉफिट होगा, ओवरऑल इन दोनों का आप लोगों को माइनस, जितना भी ओवरऑल इन दोनों का माइनस होगा ना, वो प्रॉफिट होगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो, आपने बेचा कितने का है, आप यहाँ पर बेचा आपने कितने का है, आपने बेचा है 56.7, और ये जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट, मान लो मार्केट ऊपर चला गया, आपने पुट बेचा है 19,600 का पुट बेचा है, मार्केट ऊपर चला गया, 19,600 से ऊपर चला गया, तो ये वाला तो पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर जब ये जीरो होगा तो भाई आपका ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये 19,550 का पुट है। कोई बात नहीं, इसमें आपने इतना का प्रॉफिट होगा आपको, लेकिन अगर आपका बाइंग वाला भी जीरो होगा तो इसमें से माइनस कर लो 26.3, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको पॉइंट्स कितने मिलेंगे, ओवरऑल आपको 30 पॉइंट्स ही मिलेंगे। इनटू क्वांटिटी कर लो 1520 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है, तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक मार्केट पर, सेंसिबल में, ऑल्सो ऑफस्टा वगैरह में, कहीं पर भी अगर आप ये लगाओगे तो आपको एनालिसिस करने का मौका दिखा देगा। अब थोड़ा सा इसको डीकोड करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जितना ही आप प्रीमियम बेचोगे, इसमें हमने क्या है, 19,600 का प्रीमियम बेचा है, 19,600 प्रीमियम बेचा है, ठीक है। अगर मार्केट पीछे एक्सपायर कहाँ तक, अगर मार्केट पीछे एक्सपायर 56 पॉइंट, मतलब इसका ब्रेक इवन कितना होगा, 19,600 से पीछे 56 पॉइंट, लेकिन हमें इसमें बाइंग भी कर रखा है, तो लगभग 30 पॉइंट पीछे, मतलब अगर आपका 19,570, अगर 19,570 के ऊपर मार्केट कहीं भी होता है एक्सपायर, तो आपका कहीं ना कहीं वो आप प्रॉफिट में रहोगे। यहाँ पर आपको ब्रेक इवन भी दिख रहा है 19,570, मतलब अगर मार्केट 19,570 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता है तो आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखो ये मैक्स प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आज ही के दिन ही एक्सपायरी है। अब समझो, अब हमने एंट्री कब बनाई, समझो यहाँ पर 9:45 पर एंट्री करी हुई है। आपको एकदम सिंपली चार्ट ही देखना है, आपको चार्ट देखना है, जैसे आप नेकेड बाइंग या फिर नेकेड सेलिंग करते थे, आपको उसमें थोड़ा सा हेजिंग कर लेना है, बस कुछ नहीं करना है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा समझो।
अब टारगेट आपका यहाँ पर है, यहाँ पर कम मार्कर में टारगेट आया है 11:15 पर, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी देख लो यहाँ पर अभी 9:15:45 हो रहा है, हमने एंट्री करी। अब यहाँ पर देखते जाना, अगर मैं 5 मिनट आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेंगे कि 5 मिनट बाद कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट बाद लगभग आपको 300 रुपये का, मतलब 1.5% के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ तो ये 390 रुपये का हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ 400 रुपये का हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ 370 रुपये का हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ाओ 290, थोड़ा और आगे बढ़ाओ 680। अब मैं 15 मिनट में बढ़ाता हूँ ताकि आप लोग का टाइम ख़राब ना हो जाएगा। मैं 15 मिनट आगे बढ़ाया तो 3% का प्रॉफिट सेम डे पर हो रहा है 10:35 पर। अभी भी आपका टारगेट नहीं आया है, 10:35 कहाँ हो रहा है, 10:35 लगभग मार्केट में इधर के आसपास हो रहा है। आपका टारगेट तो यहाँ पर है 11 बजे, 11:10 पर टारगेट आएगा आपका, कोई बात नहीं, आप वेट करो और वेट करो। अब देखो अभी मज़े की बात जानते हो क्या है, मज़े की बात ये है कि मार्केट आपके भाई सब ग्रीन एरिया में हो गया। मार्केट जरूरी नहीं कि यहाँ पर आएगा तो भी आपको मैक्स प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट इसी एरिया में टाइम पास भी करेगा ना तो भी आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने सेलिंग करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ, 5 मिनट बढ़ाता हूँ, देखो 4% का प्रॉफिट हो गया, 975 रुपये का, आपने लगाए थे 23,000 रुपये, आपको प्रॉफिट हो रहा है लगभग 1,000 रुपये का। और आगे बढ़ाओ 1,020 रुपये का, और आगे बढ़ाओ 975 रुपये का, और आगे बढ़ाओ 11:55 का टारगेट आएगा। ये देखो आपका मैं लेकर आ गया टारगेट पर 11:10 पर, जैसे ही मार्केट आपका टारगेट पर आया, ठीक है, यहाँ पर टारगेट पर आया तो आप अपनी पोजीशन को बुक भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको होल्ड ही करना है। लेकिन 11:20 पर अगर आप देखोगे आपका अधिकतम प्रॉफिट इस ट्रेड में 1,500 रुपये का हो चुका है, ठीक है, और आपको उसमें से 1,100 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को बुक भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। या फिर अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके ग्रीन वाले एरिया में आ गया है। पहले से जो समझने का ट्राई करो, ये ग्रीन वाला एरिया जो भी है ना, ये ग्रीन वाला एरिया मतलब इसके बीच में अगर मार्केट एक्सपायर होता है तो आपको उतना का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मार्केट मतलब अब यहीं पर टाइम पास करता रहे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करता रहे, तो ये वाला प्रॉफिट धीरे 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 बढ़ करके 1,500 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर वेट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, देखो मार्केट ऊपर गया, कभी कभी रिट्रेसमेंट करते नीचे आता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पोजीशन को काट करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो नेकेड में काम करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि भाई अगर वहाँ से मार्केट अगर उनके अगेंस्ट गया तो उनको लॉस भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर पता है, देखो मार्केट चल रहा है 19,26 ये पर है, ये ग्रीन एरिया पर, अगर आपको पता है कि मार्केट भाई साहब पीछे मतलब यहाँ के आसपास भी अगर रहता है, इधर के आसपास टाइम पास भी कर रहा है, तो आपको मैक्स प्रॉफिट होगा, क्योंकि आज के दिन पर एक्सपायरी है और एक्सपायरी अब हर दिन है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अच्छे से कॉम के साथ होल्ड भी कर सकते हो। देखो 19,600 मार्केट अगर एक्सपायर होता है तो भी आपको 1,520 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर 19,600 से ऊपर मार्केट कहीं पर भी एक्सपायर हो जाए, मतलब कहीं पर भी 19,900 भी पहुँच जाएगा, तो भी आपका जो प्रॉफिट है वो फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर आप एक बेटर होल्ड कर सकते हो, मतलब मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर रहा है तो वहाँ पर भी होल्ड करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अपने अगर आपका टारगेट आ गया है चार्ट के हिसाब से तो आप वहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। देखो स्प्रेड की ज़रूरत कब पड़ती है समझो, देखो आज के दिन पर क्या है ना कि मार्केट में बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों का प्रॉफिट दिखाते हैं और रिटेलर पब्लिक फंस जाती है, ना उनको रिस्क पता है। देखो मैं बता रहा हूँ रिटेलर का दर्द, अगर एक रिटेलर है ना उनका अगर वो लॉस में हो तो क्यों लॉस में, पहले आप अपना प्रीमियम उठा करके देखो। दो कारण होंगे, पहला तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बहुत सारे लोगों की एक्यूरेसी ख़राब होता है, मतलब अगर वो महीने में 20 ट्रेड ले रहे हैं तो उनको 15 दिन लॉस हो रहा है, 5 दिन प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले तो आप अपनी एक्यूरेसी सुधारो। और इसके बाद दूसरी कंडीशन के लोग आते हैं, दूसरे टाइप के लोग आते हैं, उनको उनकी एक्यूरेसी तो अच्छी है, मतलब उनकी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब 20 अगर 20 दिन ट्रेड कर रहे हैं तो महीने में 15 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं, 5-6 दिन लॉस कर रहे हैं, लेकिन वो 15 दिन जो ग्रीन में रह रहे हैं ना, वो 4-5 दिनों में इतना बड़ा लॉस ले रहे हैं वो 15 दिन का प्रॉफिट भाई साहब कहीं ना कहीं लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इन दोनों की समस्याओं का हल, अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हो कि आपको लॉसेस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं, प्रॉफिट छोटे छोटे हो रहे हैं, तो आपको स्प्रेड एक सही चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट भाई साहब 980 रुपये से अधिक आपको लॉस नहीं हो सकता है। और ये भी जान जाओ कि तुरंत नहीं होगा। क्यों 900 से तुरंत पूरा लॉस नहीं होगा? क्यों? रीज़न क्या है? अगर देखो समझो मेरी बात, समझने का ट्राई करना, अगर मार्केट में आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, ठीक है, आपने अपना स्टॉप लॉस इधर के आसपास लगा लिया, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ चला गया, एसएल आपका खा गया, तो आप अपने स्प्रेड वाले को दोनों साथ में एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तुरंत एग्जिट करोगे, मतलब आपके स्टॉप लॉस खा गए मार्केट, तो अगर आप एग्जिट करोगे
तो क्या होगा, आपको जो मैक्स लॉस 980 रुपये का वो एक्सपायरी के हिसाब से, लेकिन अगर तुरंत आप एग्जिट करोगे तो ये मुश्किल से मुश्किल आपको 200, 150, 300 ऐसे ही आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि मैक्स लॉस भी एक्सपायरी मतलब 3 बजे के आसपास ही आपको होगा, पहले नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। अगर आपको बेटर ट्रैक करना है कि कितना मार्केट फॉर्म जाएगा तो कितना आपको प्रॉफिट होगा, तो आप इस ब्लू लाइन को भी कंसिडर थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके लॉसेज जब फिक्स रहेंगे तो एक चीज़ समझ जाओ कि लॉसेज जब फिक्स रहता है तो आदमी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में काम करता है। लॉसेज पहले बताओ बड़े क्यों होते हैं, क्यों बड़े होते हैं, क्योंकि आपको देखो लगता है मार्केट आपका एसएल खाया, समझो मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। चार्ट पर आ जाओ, जड़ आप समझते हैं अगर ट्राई नहीं करते, मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर मैं समझा सकूँ, बट वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ध्यान से सुनना लॉसेस क्यों होते हैं। समझो अगर आप मार्केट में यहाँ पर काम कर लिया, ठीक है, अब मार्केट आपके एसएल खाने आया, यहाँ पर एसएल खाएगा, फिर थोड़ी और नीचे जाएगा, फिर आपको ऊपर तक का मूवमेंट देने लगेगा, आप लोग फिर यहाँ पर बाई कर लेते हो, मार्केट फिर ऊपर थोड़ा जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर तक जाएगा, आप लोग यहाँ पर बाई कर लेते हो, मतलब मार्केट आपको बार बार अपॉर्चुनिटी दिखाता है कि हाँ अब आपके फर्म में जाएगा स्टॉप लॉस काटने के बाद, अब आपके फर्म में जाएगा स्टॉप लॉस काटने के बाद, तो वहाँ पर आपके लॉसेज भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन स्प्रेड में क्या है, स्प्रेड में तो फिक्स है ना कि आपको 980 रुपये ही दे मार्केट लेके जा सकता है, तो आप इस जो कचरे मूवमेंट में है ना उस मूवमेंट को भी अवॉइड कर सकते हो, इस मूवमेंट में भी बने रह सकते हो। अच्छा मार्केट मान लो एसएल खा गया आपका, ठीक है, आपका मैक्स लॉस है 980 रुपये का, अब आपको मैक्स लॉस उस समय लॉस आपको दिखेगा, सपोज कर लो 700 रुपये का आपको लॉस हो गया, तब तो आप जान रहे हो ना कि आपको अधिकतम 280 रुपये का और नुकसान हो सकता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। देखो स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है इन सभी के लिए, अब मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर देखो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप इस तरह को छोड़ ही दोगे, जैसे मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, तो आपको देखो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ते हुए जाएंगे, जितना मार्केट आपके फर्म में जाएगा उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ प्रॉफिट आपको जाएगा। अगर मार्केट 19,600 के ऊपर, इधर से 19,600 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता है, तो आपको 1500 का अधिकतम प्रॉफिट हो सकता है। मैं भगा करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, 30-30 मिनट में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो 1:40 में प्रॉफिट आपका हो गया 1375 रुपये का, 14:10 पर 1495 रुपये का, ठीक है। तो अब लगभग 1500 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, तो आप बुक करके निकल सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 बजे तक रुकना ही रुकना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब भी बीच में प्रॉफिट हो आप दोनों को एंट्री कर सकते हो, दोनों को एग्जिट कर सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्स प्रॉफिट हो ही गया आपको, तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब देखो आखिर स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, समझो क्रेडिट स्प्रेड समझना का ट्राई करना। आपको एंट्री बनी 9:45 में, कभी भी एंट्री बन सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है 9:45 पर बने, तभी कभी भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आपको क्या करना है, अगर आप बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में काम कर रहे हो, किसमें, अगर आप बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में काम कर रहे हो, यहाँ पर फिन निफ्टी या फिर निफ्टी, सॉरी मैं बता रहा हूँ फिर से आपको समझो, अगर आप निफ्टी या फिन निफ्टी दोनों में काम कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों का लगभग प्राइस क्या है, सेफ है। अब देखो प्राइस सेम है, मतलब 19-20 के आसपास दोनों चल रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, तो एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, जैसे ये ATM हो गया, तो इसको सेल करो, इसको आप सेल कर सकते हो, साइंस ऑफ मनी का ट्राई करना, एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी आप सेल कर सकते हो और ATM का आप बाई कर सकते हो, ताकि आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए। देखो प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना होगा, तो समझो जितना का आप सेल कर रहे हो, जितना का आप बाई करो, उन दोनों में से घटा लो, सेलिंग वाले में से बाइंग वाले स्ट्राइक प्राइस को घटा लो, आपका प्रॉफिट समझ में आ जाएगा। मतलब कैसे, जैसे मेरी बात समझने का ट्राई करो, जैसे आपका मन कर दिया कि भाई आपको कौन सा बचना है, आपको बचना है 98 रुपये वाला, तो आप 98 ये कर लो, और आप कौन सा बाई करोगे, सुनो कौन सा बाई करोगे, आप ये मान लो बाई करो 1550 रुपये वाला बाई करो, ठीक है, तो आप क्या करो 98 में से ये वाला घटा लो 26 रुपये 30 पैसे, 26 × 3 माइनस कर लो, तो मतलब आपको 71 पॉइंट्स का मैक्स प्रॉफिट मिल सकता है। अब ध्यान रखना 71 पॉइंट का मैक्स प्रॉफिट मिलेगा, और इस ट्रेड में मैक्स लॉस कितना होगा, इस ट्रेड में मैक्स लॉस कितना होगा 71 पॉइंट का, तो मैक्स प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है। मैक्स लॉस कितना होगा, जितना ज़्यादा दूरी हेज करोगे उतना ही बड़ा लॉस होगा आपको, तो आपने 19650 का सेल किया होगा और 19550 का बाई किया होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 100 पॉइंट, 100 पॉइंट का आपको अधिकतम लॉस हो सकता है, लेकिन आपका अधिकतम प्रॉफिट भी तो है 71 पॉइंट का, तो आप यहाँ पर माइनस कर लो 71, मतलब 29 पॉइंट का आपको मैक्स लॉस होगा और 71 पॉइंट का आपको मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। अब यकीन नहीं है तो आप गुणा करके देख लो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, चलो आपने इसको सेल कर दिया,
आपने इसको बाई कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर आपको लॉस कितना दिखा रहे हैं, सेम ही है, मार्जिन में लगभग सेम लग रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको 1400 का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 1400 के नुकसान के आड़ में आपको 3500 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है। क्यों? पिछली बार हमने किया था 150 पॉइंट केवल दूर हेज, मतलब 19600 का सेल किया था और 19550 का बाई किया था, तो बहुत ही ज़्यादा पास हेज किया था। तो जितना ही ज़्यादा अगर आप पास हेज करोगे उतना ही आपको छोटा मैक्स लॉस दिखाएगा और उतना ही छोटा आपको कहीं ना कहीं उसी के कम उसी के हिसाब से आपको मैक्स प्रॉफिट भी दिखाएगा। अगर आप ज़्यादा दूर हेज करोगे तो आपके मैक्स प्रॉफिट का भी नंबर बढ़ेगा और साथ ही साथ मैक्स लॉस का भी नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, लेकिन आपको ध्यान से देखने वाली बात है कि 1:3 का आपको ट्रेड मिल रहा है, लगभग 5% का नुकसान है, तो कहीं ना कहीं 13% के आसपास का प्रॉफिट भी है। अब यहाँ पर समझो मैंने क्या बोला, आपने बेचा कितने का 98 का और बाई किया 26 का, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था आपको 71। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ इतना डिटेल में, आप लोगों को कैलकुलेट करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली ऑप्शन वगैरह पर भी काम कर सकते हो। 71 पॉइंट का मैक्स प्रॉफिट होगा, इनटू कर लो 50, 3585 रुपये आ गए ना। यहाँ पर कैसे पता चला भाई साहब, जितना आपने सेल किया हुआ है उसमें से जितना आपने बाई किया हुआ है इसको घटा दो, क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हमेशा महंगा वाला प्रीमियम बेचते हैं, सस्ता वाला प्रीमियम बाई करते हैं, पुट वाले में भी कॉल वाले में भी। मैं कॉल का भी एक एग्जांपल बता दूंगा तो आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। तो 71 पॉइंट का मैक्स प्रॉफिट हो गया। आपने देखो 71 पॉइंट का मैक्स प्रॉफिट होगा, आपने कितना दूर हेज किया वो समझो, आपने 19650 का सेल किया हुआ है और 19550 का बाई किया हुआ है। दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की, 100 पॉइंट दूरी है, तो कितना नुकसान होगा, 100 पॉइंट का मैक्स लॉस हो सकता है, लेकिन आपको मैक्स प्रॉफिट इसमें से घटा देना है, तो 29 पॉइंट्स का ही आपको अधिकतम नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैक्स लॉस में जितनी स्टाइबस की दूरी रहेगी उसमें से आप अपना मैक्स प्रॉफिट अगर माइनस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। 100 माइनस कर लो 71, ठीक है, बराबर कितना होगा 29 अगर 50 करोगे तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज के बाद ही आ जाएगी 1450 का आपको अधिकतम लॉस हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो कहीं ना कहीं 1450 रुपये का अधिकतम आपको यहाँ पर नुकसान दिखा रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम दिखाया कि मैंने पैसे को छोड़ दिए हैं इसके लिए दिखा रहा है, अगर आप पैसे में भी कैलकुलेट करोगे तो एकदम एग्जैक्ट आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप स्प्रेड की दूरी बढ़ा रहे हो, समझो अगर आप स्प्रेड की दूरी बढ़ा रहे हो, हमने क्या किया, हमने दूरी को बढ़ा दिया, मतलब 19650 का सेल किया और थोड़ा सा दूर का बाई कर लिया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखना, प्रॉफिट आपके बढ़ गए, लॉसेस भी बढ़ गए। अब व्यू तो वही है, 945 पर हमने एंट्री ली, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा आपको पता है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे बड़े, जैसे मैं 5 मिनट आगे करता हूँ, देखो काफ़ी फास्ट आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके ब्रेक इवन भी देख लो, ब्रेक इवन मतलब 19578, अब हमने पुट को बेच रखा है तो ये समझ जाओ कि 19578 के ऊपर अगर मार्केट कहीं पर भी एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और 19578 अगर नीचे मार्केट एक्सपायर होगा या फिर 19578 के नीचे मार्केट कहीं ना कहीं ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करेगा तो आपको नुकसान होगा। अधिकतम नुकसान की सीमा कितनी होगी, अधिकतम नुकसान की सीमा यही है बस, इसी तरह आपको नुकसान नहीं होने वाला। तो अब मैं और बढ़ा देता हूँ प्रॉफिट, अब देखते जाना 15 मिनट में बढ़ा देता हूँ 400 रुपये का, 30 मिनट बढ़ाता हूँ 1700 रुपये का, ठीक है, और 2000 रुपये का प्रॉफिट आपको हो गया 11:10 पर। आपका टारगेट कहाँ पर था, आपका टारगेट कहने के यहीं पर था 11:10 पर। आप यहाँ पर अपने पोजीशन को स्क्वायर अप भी कर सकते हो, या फिर अगर आप जान गए कि भाई ये ग्रीन वाले एरिया में, तो आप यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखो अगर मार्केट, ये देखो ये चार्ट जो देख रहे हो ना ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ देखो 19650, ये देख सकते हो अगर 19650 से मार्केट यहाँ पर आता है तो ये आपको मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, 3500 रुपये का मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि निफ्टी और फिर निफ्टी में आप एक स्ट्राइक पास इन द मनी, मतलब जो भी अटेम्प्ट चल रहा है उससे एक स्ट्राइक पास इन द मनी। अगर आप कॉल में पुट की बात करोगे तो एक स्ट्राइक पास इन द मनी ये हो गया, इसको आप सेल कर लेना, और एक स्ट्राइक पास दूर मतलब ATM वाला बाई कर लेना बस। और अगर वहीं कॉल की बात करोगे कॉल साइड की, तो अगर आप इसको सेल कर रहे हो, क्योंकि एक स्ट्राइक पास में इन द मनी कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसको सेल कर लो और इसको आप लोग बाई कर लेना। ये निफ्टी फिन निफ्टी के लिए हो गया सबसे ज़्यादा सेफ। और करने को क्या कर सकते हो, आप ATM का बाई कर सकते हो, और एक की जगह अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए और लॉस भी आप लेने के लिए थोड़ा रेडी हो तो आप इसको सेल कर लेना, और 2 स्ट्राइक पास अंदर आप सेल कर लेना और ATM का बाई कर लेना, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर सेल करो, जैसे देखो जैसे हमने 2 स्ट्राइक पास अंदर सेल किया हुआ है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ गया और उसी के हिसाब से लॉस भी बढ़ गया, ठीक है।
अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो आप एटीएम का बाई करो, अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो एटीएम का आप बाई कर लेना, और एटीएम से एक स्ट्राइक पास अंदर जो महंगा वाला होगा प्रीमियम आपको सेल करना है और सस्ता वाला प्रीमियम आपको बाई करना है, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिस कर लोगे आप तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो आ जाओ बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब थी समझो, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वेडनेसडे को, तो 6 सितंबर, ठीक है। 6 सितंबर को मैं लगाता हूँ, समझो यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ, 6 सितंबर को मैं लगा लेता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। आपको देखो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए ना तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ले सकते हो आप, थोड़ा सा दूर हेज कर लेना। अब देखो बैंक निफ्टी चल रहा है लगभग 40,000 के आसपास का, ठीक है, ये 6 सितंबर का है। अब मान लिया आपने कोई भी एनालिसिस कर लिया, कैसे भी कर लिया, रैंडमली मैं बता देता हूँ, आपने यही एनालिसिस कर लिया, चलो यही एनालिसिस कर लिया कि ट्रेंड ब्रेक होने पर आपको काम करना कहाँ पर, 11:20 पर आपकी एंट्री बन रही है, ठीक है, और ये आपके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये आपके स्टॉप लॉस हो रहे हैं, ठीक है। और टारगेट आपने लगा लिया, चलो भाई टारगेट यहाँ पर मेरा है एग्जाम्पल 44,300 के आसपास का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। टारगेट कब के लिए है, टारगेट आपका आ रहा है 12:40 पर, आपकी एंट्री कब बन रही है 11:20 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर असली गेम है, यहाँ से मैं लगा लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ बैंक निफ्टी को और 6 सितंबर का, और यहाँ पर एंट्री कितने बजे बनी हुई है 11:20 पर, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 11:20 का टाइम फ्रेम। ये देखो ये ना रियल टाइम चार्ट है, पहले सुन लेना, ये रियल टाइम चार्ट है, मतलब बैक टेस्ट करने के लिए, मतलब अगर 6 सितंबर को अगर आप देखते 11:20 पर तो यही सेम प्रीमियम चलता। मैंने इसलिए स्टॉक मॉक इस्तेमाल किया, अदरवाइज मैं सेंसिबल में बताता, क्योंकि ये स्टॉक मॉक बैक टेस्ट करने के लिए ही है और ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखो, अब अगर बैंक निफ्टी चल रहा है 40,000 पर, तो बैंक निफ्टी के लिए स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे कॉल साइड का, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी जस्ट डबल चल रहा, तो आप क्या कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली, एटीएम हो गया, ये क्या हो गया एटीएम, ये हो गया एटीएम, तो एटीएम से 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर, तो 1 हो गया 2, इसको सेल करो, एटीएम से 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर इसको आपको सेल कर देना है और जस्ट एटीएम वाला आपको बाई कर लेना है, सिंपल एकदम, ठीक है। तो आओ इसको मैं सेल करता हूँ, ये सेल और ये बाई, इसमें भी कैलकुलेशन वैसी तरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई आपको अधिकतम जो नुकसान है वो 1600 का दिखा रहा है, अधिकतम जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो 1300 का दिखा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करो, आप सिंपली इसको थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा बेच दो, आप इसको बेच दो 200 वाला बेच दो, तो अब आप देखोगे कि 1800 का आपको मैक्स लॉस हो रहा है, 2600 का मैक्स प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से थोड़े से स्ट्राइक प्राइस को अंदर भी करके सेल कर सकते हो, आपको ध्यान देना है दूरी को। अगर आपने ये नहीं किया, बाई बहुत ज़्यादा दूर कर लिया हमने, देखो हमने बाई 300 पॉइंट दूर कर लिया, तो बाई हम इसको कर लेते हैं 200 पॉइंट दूर, ये देखा आपने, मतलब 44,200 बेचा और 44,400 का बाई कर लिया। अब यहाँ पर देखोगे कि 800 का ही आपको नुकसान होगा अधिकतम और 2100 का मैक्स प्रॉफिट होगा। देखना व्यू में कोई चेंजेस नहीं है, व्यू आपका कॉल सेल करने का ही है, तो व्यू हम यहाँ पर कॉल सेल करेंगे 11:20 पर और टारगेट आता है हमारा 12:45 पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर बढ़ाते हैं इसको धीरे धीरे। अब आप यहाँ पर देखना मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस में क्या दिक्कत है, क्या आ रहा है, 5 मिनट बढ़ाते हैं हम, चलो 198 का प्रॉफिट, 1% का प्रॉफिट, बैंक निफ्टी में मार्जिन कम लगता है जानते ही हो। अब देखो अब आप आ गए 11:25, 5 मिनट के बाद ही आपको 1% का प्रॉफिट दिखा रहा है, और बढ़ा लेता हूँ, थोड़ी देर बाद आपको 4% का प्रॉफिट होने लगा, और टारगेट कितना है, टारगेट मैक्स प्रॉफिट का 2000 रुपये का है, 700 रुपये का प्रॉफिट देख सकते हो, जैसे जैसे आपके फ्योर में जाएगा, क्यों, क्योंकि 11:55 कहाँ हो रहा है, देखो 11:55 आपके जगह फंस हो रहा है। नॉर्मली अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो इतने से ही पुल बैक में आप लोग एग्जिट कर दोगे, लेकिन स्प्रेड में कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्प्रेड में मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा थोड़ा, 710 रुपये का प्रॉफिट, 755 रुपये का प्रॉफिट, 562 रुपये का प्रॉफिट, ये बहुत ही स्लोली आपको अप एंड डाउन का मोमेंट दिखाएगा, फिर 700 का प्रॉफिट 12:20 पर आ गया, 12:20 कहाँ है ये पर, देखो देख रहे हो, इतने से ही पुल बैक में कोई असर आपको ज़्यादा दिखा नहीं। यहाँ पर भी अभी आप देखोगे तो 4-5% का प्रॉफिट आपको इजीली हो ही रहा है, थोड़ी देर बाद देखोगे आप तो 6% का प्रॉफिट, और देखो 1250 का 12:50 पर लगभग 8% का प्रॉफिट, ठीक है, आपके लगभग टारगेट यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। तो आप इसको अपने टारगेट हिसाब से, अपने व्यू के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। स्प्रेड में ही क्यों काम करें हम, आपने सोचा नहीं कि स्प्रेड में क्यों काम करें, डायरेक्ट पुट सेल या कॉल बाई नहीं कर लेंगे हम, इसलिए
क्योंकि स्प्रेड में सबसे पहली बात आपका मैक्स लॉस फिक्स है, एकदम छोटा है, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको सेफेस्ट वे में आपको काम कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि लॉसेस हमेशा आप लोग बड़े बड़े लेते हो, यही आपको दिक्कत करता है। अगर आपको दिमाग पर कंट्रोल करना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और आपसे नहीं हो पा रहा, आप डिसिप्लिन में काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए स्प्रेड एक वरदान है, क्योंकि स्प्रेड में आपको ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉट भी फिक्स लगाएगा, आपके प्रॉफिट भी फिक्स होंगे और लॉसेस भी फिक्स होंगे। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1300-1400 का प्रॉफिट हो रहा है और आपका 2100 का ही मैक्स प्रॉफिट है। अब आपको नहीं पता ना कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, फिर उल्टा जाएगा, कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा, तो आपको ये तो पता चल गया ना कि हाँ मैक्स प्रॉफिट के नज़दीक आ ही चुका है, तो आप यहाँ से प्रॉफिट लेकर के अपना निकल सकते हो, ठीक है। और लॉसेस के कंडीशन में भी आपको 800 रुपये का लॉस तुरंत नहीं हो जाएगा। आपका अगर स्टॉप लॉस तुरंत काटता है मार्केट, तो क्या करोगे आप, 200 का लॉस दिखाएगा या फिर 300 का लॉस दिखाएगा, यही दिखा सकता है। अधिकतम को आपको पता है, तो अधिकतम अगर पता रहेगा तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है आपको हमेशा अच्छे समझ में आएगा, मतलब आपका जो रिस्क है वो हमेशा कंट्रोल वे में चलता रहेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो बैंक निफ्टी वगैरह के लिए आप देख लेना, आप थोड़ा सा ज़्यादा इन द मनी बेच सकते हो, जैसे कि मैं आपको फिर से दिखा दूँ, 11 बजे आपने गया, 11 पहले देखो आपका चार्ट में एनालिसिस करना है, मार्केट में एनालिसिस करना है, पहले सबसे पहले आपका काम ये रहेगा, उसके बाद आपको लगाना है। अगर आपका कॉल सेल करना है तो आप कॉल देख लो, कॉल कौन सा ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। अब आपको जल्दी पता करना है कि भाई कौन सा बेचूं, कौन सा करूं, तो आप सिंपली देखो, जैसे मैंने बता रखा ना आपको कौन सा बेचना है, जैसे आपको ये बेचना है, ठीक है, ये बेचना है आपको 215 रुपये का, आपको बेचने का मन कर दिया, ठीक है। और आप बाई कौन सा कर रहे हो, 44 से 400। अब देखो इन दोनों की दूरी कितनी है, 200 पॉइंट, तो अधिकतम लॉस कितना हो गया आपका 200 है, अधिकतम प्रॉफिट कितना होगा, 215 का आप सेल कर रहे हो और 16 का बाई करो, तो यहाँ पर माइनस कर लो आप, यहाँ पर मैं आ गया आपको लेकर के, आपने सेल किया 215, माइनस कर लो 69.5, तो ये 145, 145 पॉइंट का आपको अधिकतम प्रॉफिट है, लेकिन आपने दूरी कितना ज़्यादा हेज किया हुआ है, दूरी ज़्यादा हेज किया हुआ है 200 पॉइंट, तो 200 में से आप घटा लो, ये आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। मैक्स प्रॉफिट जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग वाली स्ट्राइक में से बाइंग वाली स्ट्राइक पर इसको घटा दो, ठीक है, तो आपको मैक्स प्रॉफिट दिख जाएगा 145.5 पॉइंट का। और अगर आपको मैक्स लॉस जानना है, तो स्ट्राइक प्राइस की दूरी कितनी ज़्यादा दूरी हेज कर रहे हो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने 44 से 200 का सेल किया हुआ है, तो 44 से 400 का बाई किया हुआ है, तो इन दोनों के स्ट्राइक प्राइस का दूरी कितना है, लगभग 200 पॉइंट का, तो 200 में से आप जितना मैक्स प्रॉफिट है उसको माइनस कर लो, तो 145.5 का है, आपको लगभग 54 पॉइंट का अधिकतम रिस्क, 54 पॉइंट मतलब इंटू कर लो 15, तो आ जाएगा आपको लगभग 870 रुपये जो यहाँ पर आपको दिखा रहा था। तो आप यहाँ पर सिंपली इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, 870 रुपये का यहाँ पर नुकसान दिखा रहा है, प्रॉफिट कितना होगा 145 पॉइंट का, तो 145 का आप यहाँ पर गुणा कर लो सिंपली 145.5 इंटू कर लो 15, आपका आ गया, ये ज़्यादा आ गया कैसे, 145.5 इंटू 15, 2182 रुपये यहाँ पर आ गया जितना मैक्स प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप देखो अब थोड़ा सा दिक्कत क्या है समझना, थोड़ा सा ट्राई करना क्या प्रॉब्लम अगर आप लोग को आएगी नए में, आप लोग ना बहुत ज़्यादा इंदमनी मत भेज देना, जैसे कि ये इंदमनी मत भेज देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंदमनी बेचने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा अगर इंदमनी बेचोगे, जैसे मान लो इसको बेच दिया आपने और कहीं ना कहीं आपने इसको बाई कर लिया लालच में ताकि मेरे को लॉस कम से कम हो। अब देखो अगर आप बहुत ज़्यादा इंदमनी बेचोगे तो आपको लॉसेस केवल 200 रुपये का है, लेकिन प्रॉफिट कितना है 3000 रुपये का, कम से कम 10 गुना, 1:10। लेकिन इसमें ध्यान से देखना कि जब मार्केट इस लेवल को आगे जाएगा ना, तब आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट का मुंह देखने को मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये कितना हो गया, ये 42,881 मतलब 44,281 के नीचे अगर मार्केट एक्सपायर होगा तब आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर चल कहाँ पर आए 44,465, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये मार्केट का करंट प्राइस है और यहाँ से मार्केट इतना दूर है, तो बहुत ज़्यादा दूर आप लोग बहुत ज़्यादा इन द मनी बेचने का ट्राई करोगे ताकि आपको लॉसेस कम हो, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है उसके लिए मार्केट में बड़ा मूवमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो बेटर क्या होगा, बेटर आपका ये होगा कि आप नियर बेचो, जैसे ये बेच लो, ठीक है, 200 रुपये वाला बेच लो, इसको बाई कर लो, आप थोड़ा सा चेक भी कर सकते हो, कैलकुलेट जैसे मैंने करना बताया उस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो, जिस भी स्टॉक प्राइस में आपको बेटर आरआर मिले, जैसे कि मैक्स लॉस आपको 800 दिख रहा है, मैक्स प्रॉफिट आपको दिख रहा है 2100, लगभग 1:2 मतलब जितना का रिस्क दिखा रहा है उससे दुगना का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मान लो ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जहां पर आपको 44,281 दिखा रहा था वहां पर देख सकते हो 44,345, अगर मार्केट अभी चल रहा है 44,465, अगर इसके नीचे मार्केट एक्सपायर होता है, हालांकि जैसे ही मार्केट आपके फेवर में जाएगा, मतलब मार्केट से डाउन जाएगा, वैसे आपको प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा,
लेकिन अगर मार्केट मान लो कि 44.3 45 के नीचे कहीं एक्सपायर होता है तो आपको अधिकतम प्रॉफिट होगा। ठीक है, कब अधिकतम प्रॉफिट कहाँ पर होगा ये देख सकते हो, यहाँ पर अगर मार्केट 44.200 पर आ गया तो आपको कहीं ना कहीं मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, देखो काम एकदम सेम टू सेम करेगा आपका, जैसे इंट्राडे में आप कॉल सेल करते हो पुट बाय करते हो वैसे ही काम करेगा, लेकिन हाँ आपको ये सपोर्ट करेगा किस लिए, क्योंकि आपका ये मैक्स को समस्या बचाएगा, आपको मैक्स प्रॉफिट पता रहेगा, तो आप टारगेट जब आप टारगेट और स्टॉप लॉस जब पता रहेंगे आपको तो मार्केट में आप सही से डिसीजन ले सकते हो। और इस तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, उसके बाद मुझे बताना, अगर आप लोग बताओगे मुझे अगर इंटरेस्टेड हो इस ट्रेड वगैरह में तो मैं आपको ये भी करना सिखाऊंगा आगे वाले वीडियो में कि जो 800 रुपये का जो लॉस है ना इसको कैसे कैसे कहीं ना कहीं करके 200 पर लाया जाए और प्रॉफिट इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, और लॉसेस जो हैं जो इधर के साइड का जो लॉसेस है अगर मार्केट मान लो कि इधर के साइड अगेंस्ट आने लगता है तो भी आपको लॉसेस ना हो या फिर लॉसेस कम से कम हो उसका क्या एडजस्टमेंट होगा। अगर इस वीडियो पर मुझे 500 लाइक ओनली मिलेंगे तो मैं आपको सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, और अगर यहाँ तक वीडियो आपको देखते हुए आए हो तो मैं मानता हूँ कि आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, तो ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा।